हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम शॉर्ट में MBO बोलते हैं। तो जो MBO का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव्स के, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उनसे। मीन्स टू से मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय सेट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो एम्प्लॉयज, मैनेजर और एम्प्लॉय अपने लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं, उनके हिसाब से जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर हैं, अपने लिए कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, ताकि वो गिवन टाइम पीरियड में अपना जो भी उनको टास्क असाइन किया गया है, उसको बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें और एक बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ डायनामिक सिस्टम विच सीक टू इंटीग्रेट द कंपनी नीड टू क्लैरिफाई एंड अचीव इट्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कंपनी के जो गोल्स हैं वेल क्लियर होनी चाहिए। ओके, प्रॉपरली पता हो, जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, यानी कि क्या कंपनी का विजन है, क्या मिशन है, क्या इसके गोल्स हैं, क्या किन ऑब्जेक्टिव पे हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइन होनी चाहिए और वेल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से जो मैनेजर्स और जो एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको अपने लिए सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ताकि बेटर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो जो MBO का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भी जो मैनेजर, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ सर्टेन गोल्स को सेट कर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करके फिर वो क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उनको टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं कि भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने कितने अपने एफर्ट्स को यूज़ करा और उसका क्या आउटकम निकल के आया। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेटिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स प्लस परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। ठीक है, यानी कि हम कुछ अपने लिए कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम रिव्यू भी कर रहे हैं, एक पीरियोडिक रिव्यू भी ले रहे हैं कि भाई हम जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसके हिसाब से कितना हम फर्दर आगे प्रोसीड किए, कितना हमने उस ऑब्जेक्टिव हिसाब से काम किया और क्या हमारी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, ये एक डिमांडिंग और रिवॉर्डिंग स्टाइल भी है मैनेजिंग बिजनेस का, बिजनेस को मैनेज करने का। ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये होता है जो मैनेजर्स, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, वो क्या होती है, जैसे कि सुपीरियर है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उसको कोई टास्क देता है। ठीक है, उस टास्क के बेसिस पे वो उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है कि भाई कितना उसने बेटर तरीके से अपने जो भी उसको टास्क दिया गया या जो भी उसके फंक्शंस के उसने परफॉर्म करा। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या आउटकम रहा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ अ डायनामिक सिस्टम विच सीक्स टू इंटीग्रेट द कंपनी नीड टू क्लैरिफाई अचीव इट्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ एंड मैनेजर नीड टू कंट्रीब्यूट एंड डेवलप हिमसेल्फ। ठीक है, कंपनी की जो भी पॉलिसी है या फिर कंपनी के जो भी गोल्स हैं वो वेल क्लियर होने चाहिए और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें खुद से अपने हैंड पे कुछ इनिशिएशन लेना है। ठीक है, हमें अपने एफर्ट्स, अपने पॉजिटिव एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ करना है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें और प्रॉपर एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें और प्रॉपर एक वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्लैरिफाई एंड अचीव इट्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ विद मैनेजर नीड टू कंट्रीब्यूट एंड डेवलप हिमसेल्फ। यहाँ पे मैनेजर को क्या करना है, मैनेजर नीड टू कंट्रीब्यूट। ओके, कंट्रीब्यूट मीन्स टू से यू हैव टू शो योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आप बहुत पॉजिटिवली अपने एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हो फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी आपको टास्क दिया गया है उसको बहुत एफिशिएंसी के साथ आप कर रहे हो, अपने प्रॉपर अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को वहाँ पे लगा रहे हो, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करो और फाइनली गोल को अचीव करो। यानी कि जो भी आपका डिज़ायर आउटकम है उसके लिए फर्दर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये क्या है, MBO। ठीक है, इट इज़ डिमांडिंग एंड रिवॉर्डिंग स्टाइल ऑफ मैनेजिंग
बिजनेस। सिग्निफिकेंस ऑफ एमबीओ, क्या सिग्निफिकेंस होता है एमबीओ का ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके तो अगर हम अपने लिए कुछ कुछ गोल ऑब्जेक्टिव अपने लिए सेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से मिले जुले रहेंगे, इंटीग्रेटेड रहेंगे। ओके जैसे कि मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, अगर वो कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पॉर्टेंट क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस यही है, इट प्रोवाइड क्लियर एंड मिजरेबल परफॉर्मेंस गोल। ओके तो जो एमबीओ है, एमबीओ एक क्लियर प्रोवाइड करता है क्लियर एंड मिजरेबल परफॉर्मेंस गोल। ओके जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं वो आपको वेल क्लियर हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को भी, आपकी परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जा रहा है। ठीक है सेकंड है बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन है। ओके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा और बेटर तरीके से उनके इंटरपर्सनल रिलेशन भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। ओके अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन बहुत सारी प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉर्ट आउट कर देता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर जो कन्फ्यूज़न है वो सब कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू दूर हो जाता है। ओके तो वही चीज़ एमबीओ लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने जो भी अपने सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं उन पर प्रॉपर अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है इम्पार्शियल अप्रेजल परफॉर्मेंस इवेल्यूएटेड। ओके तो कहीं ना कहीं एमपीओ क्या कर रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस को, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर रहे हैं और इवेल्यूएट करने के बाद उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ठीक है कि भाई जो भी हमने टाइम पीरियड फिक्स किया था, जिस फिक्स टाइम पीरियड में हमने जो टास्क असाइन किए हैं उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर रहे हैं, इनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जो कि क्या है एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट सिग्निफिकेंस है फॉर द मोटिवेशंस ऑफ द सबॉर्डिनेट। ठीक है जितना ज़्यादा अप्रिशिएशन होगा उतने हम वर्कर्स ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी फर्दर और ज़्यादा इम्प्रूव रहेगी। और उसके बाद फोर्थ जो सिग्निफिकेंस है वो है इट लीड बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस। और इस तरीके के एनवायरनमेंट में जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। ठीक है वर्कर वर्कर्स के बीच प्रॉपर हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी रहेंगे, वर्कर्स एम्प्लॉयज का जो इंटरपर्सनल रिलेशन है हमेशा हेल्दी रहेगा और जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो कभी भी सफ़र नहीं करेंगे। अगर उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, दे आर पार्टिसिपेटिव एंड सपोर्टिव टू ईच अदर। ठीक है और जो मैनेजर है एक तरीके से सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक बेटर कम्युनिकेशंस और इंटरपर्सनल रिलेशंस को प्रोसीड करती हैं। एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ, एमबीओ के क्या एडवांटेजेस होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रॉफिट को जनरेट करने में या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशंस के लिए एफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और जहां एमबीओ एफिशिएंसी को लीड कर रहा है। ठीक है तो फर्स्ट एडवांटेज यही है इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो रही है, हम किसी भी लेवल पे बात करें, चाहे हम टॉप लेवल पे बात करें, मिडल पे, लोअर लेवल पे, एमबीओ हर लेवल पे एप्लीकेबल है। ओके और जहां हम अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा एक बेटर तरीके से अपने फंक्शंस, अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकें। ठीक है उसके बाद सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर कंसिस्टेंट विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट में लोग जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने डिपार्टमेंट में जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसी के साथ वो एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है उनका एक कॉमन पर्पस है यानी कि एक जो कॉमन गोल है उसके लिए वो इनिशिएशन ले रहे हैं और एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेशंस और सपोर्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। थर्ड है परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है तो यहाँ पे हम ये भी एक, अगर हम स्केलिंग की बात करें, रेटिंग की बात करें तो ये भी हम प्रॉपरली इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने आपने पॉजिटिव एफर्ट्स यूज़ करें। ठीक है और उसका कितना क्या रिजल्ट रहा। ठीक है तो वो चीज़ परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है तो ये था कॉन्सेप्ट एमबीओ का। अब क्या प्रोसेस होता है एमबीओ का,
प्रोसेस में सबसे पहले तो सबसे पहले क्या है, गोल सेटिंग है। आप क्या करोगे, गोल को सेट करोगे, ठीक है। गोल सेट करने के साथ साथ फिर उसके बाद क्या है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। प्लानिंग में हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या, ओवरऑल कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके साथ आपने यूनिट्स, उसको क्या करा, डिवाइड कर दिया यूनिट ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उनके क्या। फिर उसके बाद आपने इंडिविजुअल टारगेट सेट करे, इंडिविजुअल टारगेट, ओके। फिर उसके बाद थर्ड नंबर है प्लानिंग, जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी डिसाइड कर रहे हो किसके क्या फंक्शन है, किस कौन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको फिर आप क्या करोगे, पीरियोडिकली रिव्यू करोगे, ठीक है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट एक तरीके से चेक करोगे उस प्लान को कि भी क्या हमने प्लानिंग करी थी और क्या उसको फाइनली किस तरीके से उसको एक्चुअली तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। तो वो आपका पीरियोडिक रिव्यू हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके व्यवहार से फिर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल को, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है MBO का। सबसे पहले हम अपने लिए गोल सेट करते हैं, गोल सेट करने के बाद फिर जो जो भी गोल है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ फिर हम जो भी हमने प्लानिंग करी है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक्शन में कन्वर्ट करने के साथ साथ हम बहुत सारे इनिशिएशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपना इनोवेटिव कितने स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पे दे सकें। और उसके बाद टाइम टू टाइम हम ये भी चेक करते हैं कि भाई जो भी हमने प्लानिंग करी थी उसी के हिसाब से हम फर्दर प्रोसीड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, MBO का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स।